जय गुरुदेव जी महाराज, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आशा करते हैं गुरु जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। हनुमान जी कलयुग के सबसे पूजनीय देवों में गिने जाते हैं। हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा करना और इष्ट देवों के लिए मंत्रों का उच्चारण करना एवं पाठ करना शुभ संकेत माना जाता है। हिंदू धर्म में पूजा पाठ की विशेष मान्यता है। हिंदू धर्म में भगवान हनुमान जी सबसे ज्यादा पूजे जाते हैं। भगवान हनुमान जी को कलयुग का देवता भी माना गया है। मान्यता है आज भी राम भक्त हनुमान इस धरती पर सशरीर भ्रमण करते हैं। जो भक्त सच्चे मन से उन्हें याद करता है तो अति शीघ्र ही उसके कष्टों का हरने और उसके दुखों का निवारण करने आ जाते हैं। भगवान हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ बहुत ही लाभदायक और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि मनुष्य के जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हनुमान चालीसा का पाठ करने में है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति नियमित रूप से प्रतिदिन सच्चे मन से हनुमान जी को याद करता है और हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाती हैं। ज्योतिष में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि अशुभ है या भारी है तो व्यक्ति को नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी कलयुग के सबसे पूजनीय देवताओं में गिने जाते हैं। तुलसीदास रचित हनुमान चालीसा का पाठ हजारों लाखों मंत्रों के बराबर प्रभावशाली है। वैसे तो हनुमान चालीसा का पूरा पाठ बहुत ही उपयोगी और सर्वश्रेष्ठ माना गया है, लेकिन इसकी कुछ चौपाई रामबाण है। अगर उन चौपाइयों का नियमित रूप से पाठ करते हैं तो ये पूर्णतया सत्य है कि हनुमान जी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करके आपका जीवन सफल बना देंगे। आप जिन जिन परेशानियों से घिरे हुए हैं आपकी समस्त परेशानियां दूर होती जाएंगी। हनुमान चालीसा की हर चौपाई एक मंत्र की तरह काम करती है। सनातन मान्यताओं के अनुसार हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से आपके जीवन में समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और हनुमान चालीसा के पाठ से चमत्कारिक प्रभाव भी सामने आते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं हनुमान चालीसा की प्रमुख चौपाई, जिनका प्रतिदिन निरंतर जाप करने से आप अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं। पहली चौपाई इस प्रकार है, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। विद्या और धन की प्राप्ति के लिए हनुमान चालीसा की इस चौपाई का निरंतर जाप करना चाहिए। अगर आपके पास विद्या या धन की कमी है तो उसके लिए ये चौपाई सिद्ध कर साबित होती है। हनुमान चालीसा की इस चौपाई का प्रतिदिन पाठ करने से विद्या और धन से जुड़ी समस्त समस्या का समाधान होता है। साथ ही साथ राम नाम का जाप भी करना चाहिए। अगर आपको ज्ञान बुद्धि विवेक और धन की आवश्यकता है तो इस चौपाई का नियमित रूप से पाठ करें। इस चौपाई के पाठ करने से व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है। विद्या और धन की प्राप्ति होती है अगर आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो इस चौपाई का निरंतर जाप करें। इससे आपको विद्या की प्राप्ति होगी और स्मरण करने की शक्ति बढ़ेगी। विशेषकर विद्या और चतुराई के लिए ये चौपाई बहुत ही उपयोगी है और रामबाण है। अब दूसरी चौपाई इस प्रकार है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा की इस चौपाई को बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण माना गया है। अगर किसी को हमेशा किसी न किसी चीज का भय सताता है, जैसे भूत प्रेत का डर, रात को सोते समय डरना या चौंकना, अजीब सी डरावनी आवाज सुनना, तो इस चौपाई का पाठ करने से भय समाप्त हो जाता है। खासकर बच्चों को
हमेशा इस चौपाई का निरंतर पाठ करना चाहिए, क्योंकि प्रेतात्माएं हमेशा कमजोर शरीर को ही अपने बस में करती हैं। इसीलिए हनुमान चालीसा की इस चौपाई का निरंतर पाठ करने से भूत प्रेत और आत्माएं कभी नजदीक नहीं आती हैं। अब चलते हैं हनुमान चालीसा की तीसरी चौपाई की ओर, जो इस प्रकार है। भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। शत्रुओं से बचने के लिए इस चौपाई का प्रतिदिन पाठ करें। राम भक्त हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए और उनकी विशेष कृपा पाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत ही उपयोगी होता है। अगर आपके कोई कार्य आपके शत्रुओं के कारण नहीं बन पा रहे हैं, आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं, या किसी कार्य में बार बार आपको असफलता प्राप्त हो रही है, तो इस चौपाई का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। जाप करने से आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी और आपका बल इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आपके शत्रु आपसे पीट कर लेंगे, अतः आपके सामने आने का प्रयास भी नहीं करेंगे। जो शत्रु आपके आसपास भटकते घूमते थे, वो अब आपसे दूर चले जाएंगे और आपका बाल भी बाका नहीं हो पाएगा। हनुमान चालीसा की इस चौपाई से शत्रुओं का नाश अवश्य होता है और आपके सभी बिगड़े काम बनने शुरू हो जाते हैं। अब चलते हैं चालीसा की चौथी चौपाई की ओर, जो इस प्रकार है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत भीरा। जो व्यक्ति किसी न किसी तरह की बीमारियों से हमेशा पीड़ित रहता है, उसे नियमित रूप से इस चौपाई का सुबह और शाम के वक्त राम जी का नाम लेकर जाप करना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार का रोग है तो हनुमान जी का नाम मात्र लेने से ही सारे रोग दूर हो जाते हैं और समस्त परेशानियों से मुक्ति मिलती है। हनुमान चालीसा की इस चौपाई को स्मरण करने से शरीर के समस्त रोग दूर हो जाते हैं। अब चलते हैं हनुमान चालीसा की पांचवी चौपाई की ओर, जो इस प्रकार है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता। अगर जीवन की परेशानियों का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो हनुमान चालीसा की इस चौपाई का प्रतिदिन जाप करने से समस्त परेशानियां दूर हो जाती हैं। हनुमान चालीसा की ये चौपाई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि हनुमान जी 8 सिद्धि और 9 निधियों को देने वाले देवता हैं। ये वरदान माता सीता ने दिया है कि अगर किसी व्यक्ति को जीवन में शक्तियों को प्राप्त करना है, तो हनुमान चालीसा की इन चौपाइयों को निरंतर पाठ करना चाहिए। प्रतिदिन पाठ करने से सारी मुश्किलें कम हो जाती हैं और हम कहीं ना कहीं उन सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं, जिससे हमारे जीवन में कभी कोई कठिनाई, कभी कोई परेशानी नहीं आती है। ये थी हनुमान चालीसा की प्रमुख चौपाई, जिनका जाप करने से आप अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय सियाराम।